नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। आज हम लोग पापा खो गए पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। आपने अभी तक जाना कि सड़क के किनारे बिजली के खंभे, पेड़ और लेटर बॉक्स में आपस में कुछ बातचीत हो रही है। वहाँ एक कौवा भी रहता है, तो ये सभी बातचीत करते हैं। इसी बीच कोई बच्चा चोर एक लड़की को चुरा कर लाता है जो अपने घर में सोई हुई थी, और वहाँ उसको लिटा कर खाने चला जाता है। तब तक इन लोगों ने जुगाड़ लगाया कि कैसे इस लड़की को इसके पापा से मिलवाया जाए। तो वो जब खा कर आता है तो देखता है कि लड़की इन सबके साथ मिलकर नाच रही है, गा रही है। उसके बाद क्या होता है देखिए, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। और वो व्यक्ति आता है और इसको पकड़ने का प्रयास करता है, और लड़की इन सब के बीच भाग भाग कर बचने का प्रयत्न करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे, मतलब लड़की आगे आगे भाग रही होती है और वो आदमी पीछे पीछे भाग रहा होता है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। तब तक जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं सबकी सब उसके लिए ऑब्स्टिकल बनती हैं, बाधा बनती हैं और उसके रास्ते में खड़ी होती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाते हैं। पेड़ और खंभा बोलते हैं, भूत भूत भूत, और सबको डराते हैं। तो इस तरह से ये सब मिलकर उस लड़की को बचाने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि जब सब नाच रहे थे तो कौन आता है, जिसे देखकर सब घबरा गए। और फिर प्रश्न दो है कि दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने क्या देखा। प्रश्न तीन है कि लड़की के दोस्तों ने दुष्ट आदमी को कैसे भगाया। और प्रश्न चार है, जैसे पाठ में भूत की अफवाह फैली, क्या आपने इस तरह की अफवाह सुनी, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। और पांचवा प्रश्न है कि ढोलक और तबले वाद्य यंत्रों के नाम हैं, कोई तीन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न एक, जब सब नाच रहे थे तो कौन आता है, जिसे देखकर सब घबरा गए। उत्तर, जब सब नाच रहे थे तब वह दुष्ट आदमी जिसने लड़की को चुरा कर लाया था वहां पर आता है, उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न दो, दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने क्या देखा। उत्तर, दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने देखा कि लड़की जागी हुई है और वह सभी निर्जीव वस्तुओं के साथ नाच रही है। फिर प्रश्न तीन है कि लड़की के दोस्तों ने दुष्ट आदमी को कैसे भगाया, तो लड़की के दोस्तों ने उसे थका कर भगाया। और प्रश्न चार है, जैसे पाठ में भूत की अफवाह फैली, क्या आपने कभी इस तरह की अफवाह सुनी है, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, हाँ, मैंने भी एक अफवाह भूत के बारे में सुनी है कि सामने वाले रास्ते के बगल में जो पीपल का पेड़ है उस पेड़ पर भूत रहता है, लोग रात को वहाँ जाने से डरते हैं। और प्रश्न पाँच है कि ढोलक, तबला वाद्य यंत्रों के नाम हैं, कोई तीन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो ये हैं हारमोनियम, सितार और बांसुरी। तो आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी आपकी, और ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।